अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ग्रिल फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, ग्रिल फिश को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ये फिश ली है, इसमें मैंने सिरका और अजवाइन लगाकर इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि इसकी फ़िश की जो स्मेल है वो स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये देखें, अब इसमें मैंने फिर इस तरह से कट्स लगा लिए थे फिश में, ये देखें, ताकि ग्रिल करने में आसानी हो। अब ये देखें, मैंने ये हाफ़ कप मैंने ये दही ली है, इसमें मैंने 2 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्ची लेकर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसमें ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ये देखिए 1 टीस्पून हम इसमें ये कुटी मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ये कुटा हुआ धनिया है ये ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ये ज़ीरा है कूटा हुआ ये ऐड कर देंगे, और ये 1/2 टीस्पून हम इसमें ये हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और ये देखिए 1/2 टीस्पून ये अजवाइन है, अजवाइन को लेकर मैंने कूट लिया था, ये अजवाइन भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और ये देखिए 1 टीस्पून हम इसमें ये ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे, और ये फूड कलर है हम 1/2 टीस्पून ये भी इसमें ऐड कर देंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, और ये देखिए इमली का पल्प है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ये भी 1/2 कप है। और ये सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें हम ये फिश लेकर इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, ये देखिए अंदर से भी इस तरह से, ताकि फ़िश पर मसाला है जो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। ये देखिए इसके जो कट्स हैं, इसमें भी इस तरह से हमने अच्छी तरह से लगाना है। ये देखिए, और ये देखिए अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि हमारी जो फिश अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और ये देखिए, दूसरी तरफ हमने ये कोयलों को जला लिया है, और ये कोयले रेडी हो चुके हैं, और देखिए 1 घंटा हो चुका है। अब फिश को लेकर हमने इस तरह से ग्रिल में लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से। और आप लोगों ने ख्याल करना है, कोयलों की हीट हमने ज़्यादा नहीं करनी है। और ये देखिए, इस पर हमने ये ऑयल बुर्श से इस तरह से ऑयल हल्का सा हमने टच करना है, ये देखिए इस तरह से लगाना है। और ये देखिए बंद कर देनी हमने ये इस तरह से। बस आप लोगों ने ख्याल करना है, कोयलों की हीट ज़्यादा नहीं करनी है। ये देखिए कोयलों की हीट ज़्यादा हो चुकी है, और देखिए हमने इसका साइड चेंज कर लेना है ग्रिल का। और ये देखिए एक साइड से कलर कितना अच्छा आया है, और ये देखिए कोयलों की हीट हमने कम कर दी है, और दूसरी साइड से भी हमने ये देखिए ऑयल इस तरह से टच करना है, और ये देखिए दूसरी साइड से भी कलर कितना अच्छा आ चुका है, और ये देखिए फिश हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर भी आया है, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी सी बनती है ये फ़िश, और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार लगती है, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।